तो ऐसे लेके एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास सोलर लेवलिंग राइस गेम में 4 नए कोड्स आ चुके हैं, जो कि आज सुबह सुबह ही ऐसे लेके डेवलपर्स ने एक स्ट्रीम किया था उस 2-2.5 घंटे पहले, तो उसी स्ट्रीम में इन लोगों ने रिवील किया था। सबसे पहला है तो हमारा यू शार्प स्ट्रीम, दूसरा है फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग, तीसरा है SLA 0 और चौथा है तुम्हारा SLA Dev Not Greetings। तो इन चारों कोड्स को मिलाकर तुम लोगों को मिल जाएंगे 30 कस्टम रॉकेट टिकट्स और 1000 एसेंस। तो ऐसे लेके यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये जब रिडीम कोड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छे खासे रिवार्ड्स देते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि जो 7-10 तारीख में जुलाई का जो बड़ा अपडेट आने वाला था, तो उस अपडेट में कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली है, उसका जो एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो 1 घंटे पहले। और हमारे गेम में भी मेंटेनेंस चल रहा है, तो मेंटेनेंस खत्म होगा 11:30 बजे के आसपास, तो उसके पहले यहाँ पे अगर वीडियो पे आ चुका है तो एकदम शांति से बैठ जाओ, क्योंकि जो जो नई चीज़ें आने वाली है बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वाले अपडेट में जुलाई के जो 10 तारीख का अपडेट आने वाला था बड़ा वाला, उसमें ना तो गिल्ड सिस्टम का कोई मेंशन है और ना ही नया जो हमारा शैडो की बातचीत हुई थी सर्वर्स का सर्वे उसका कोई मेंशन है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की कोई मेंशन नहीं है, मतलब आज के अपडेट में ये नहीं एडेड हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जुलाई का 2024 का रोड मैप था उसमें हम लोग को जुलाई महीने में देखने को मिला था कि गिल्ड सिस्टम ही आने वाला है और एक नया शैडो आने वाला है, लेकिन ये शैडो मेंशन नहीं किया कि क्या होगा। लेकिन हम लोग को ये पता होगा कि यही नया शैडो होगा सर्वर्स का। तो अब देखो ये जुलाई के जो 10 तारीख है उसमें तो हम लोग को देखने को नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई के एंड में एक छोटा सा और अपडेट आए जहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल जाए, क्योंकि कारगलगन का जो शैडो था टस्क वाला वो भी हम लोग को एक छोटे से अपडेट में ही देखने को मिल गया था, और वो शैडो पे आए हुए गेम में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए शायद नया शैडो अभी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शायद एक और सेपरेट छोटे से अपडेट में देखने को मिल जाए। जो गिल्ड रेट का जो अपडेट है वो अगस्त में आने वाला था, ये उस रोड मैप में दिखाया हुआ था, तो शायद गिल्ड का जो सिस्टम का अपडेट है वो लास्ट में आए जुलाई के, और गिल्ड रेट का अपडेट भी एक साथ ही आ जाए मतलब अगस्त के फर्स्ट महीने में, तो ये बैलेंस हो जाएगा और शैडो भी शायद जुलाई के एंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गई शैडो और गिल्ड की बात। अब आ जाते हैं हम लोग अपडेट डिटेल्स पे। यहाँ पे 7-10 का जो अपडेट डिटेल्स है उससे हम लोग चेक करेंगे कि नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। हंडर्स एसोसिएशन, तो टोटल 5 चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी, न्यू कॉन्टेंट, न्यू इवेंट्स, इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस, न्यू पैकेजेस और लास्ट में सिस्टम इंप्रूवमेंट्स एंड बग फिक्सेस का अपडेट बहुत ही मतलब अच्छा अपडेट है, उसको मतलब बीच बीच में ही ज़्यादा रहना चाहिए गेम में, क्योंकि अभी भी बग्स बहुत भरे हुए हैं। तो देखो न्यू हंटर SSR Hunter एंड Hunter एक्सक्लूसिव वेपन एडेड, मतलब जो है हमारी नई SSR Hunter थी वो फायर ट्यूट की होने वाली है, यूज शू हायन, और उसकी जो एक्सक्लूसिव वेपन है वो हम लोगों के पास ऐड हो चुकी है, और ये हम लोग को कस्टम ड्रॉ से नहीं मतलब तुम्हारा वो रेट ऑफ ड्रॉ से बैनर से मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे यूज शू हायन ऐसे होने वाली है ये हंटर, इसका लिस्ट तो बहुत पहले से ही निकल चुके थे, जो हमारे लॉबी में भी तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा गन लेके घूमती थी या फिर राइफल या फिर स्नाइपर जो भी नाम कहला उसका। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ मतलब थोड़ी खटक रही है, देखो ये एक फायर एलिमेंट की हंटर है SSR वाली, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेज, मुझे एक बात बताओ कि इतनी लंबी गन के साथ कौन एक मेज वाली फाइटर या फिर हंटर होती है भाई, इतनी बड़ी गन के साथ तो तुम लोगों को मतलब मार्क्समैन देना चाहिए था ना, राइफल गन के साथ या फिर स्नाइपर के साथ मेज। अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये लोग क्या करने वाले हैं। ग्लैमरस हंटर यूज शू हायन, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ वो चीज़ें भी दिखाई दी गई है, अगर छोटा सा वीडियो हम लोग चेकआउट करेंगे तो देखेंगे कि ये शायद किस तरीके की हंटर हो सकती है, ऐसा नहीं देखेंगे थोड़ा सा ही देखेंगे अटैक्स वगैरह, पीछे गन लेके घूमेंगी भाई, इस गन के साथ ये मेज कैसे होती है, ये तो मुझे स्नाइपर या फिर राइफल चलाने वाली लग रही है, ये मुझे मेरे हिसाब से तो इससे मार्क्समैन बनाना चाहिए था। अब देखो तुम्हारा मतलब क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या इसको मेज रखना ठीक था या फिर मार्क्समैन बनना चाहिए था, कॉमेंट्स में अपना थाट्स ज़रूर शेयर करना। देखो दूर से ऐसे मार रही है, ये तो भाई पक्का मार्क्समैन लगती है मुझे, इसको मेज क्यों बनाया, और मार्क्समैन की हमारे गेम में कमी भी है, अभी सिर्फ 2 ही मार्क्समैन है, लिम ताइक्यू और वो दूसरा जो नाम चाहिए या फिर कुछ जो भी नाम है वो लड़की हरे जैकेट वाली, बस ये दोनों ही मार्क्समैन है, मेज तो बहुत सारे हैं, मेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको मार्क्समैन बनना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी चीज़ें तो ठीक है, अब इसको आने दो गेम ओपन होने दो, फिर देखेंगे कि इसके जो एट्रीब्यूट्स है मतलब ओ संजिन, वो देखो संजिन वो दूर से मार रहा है बंदूक के साथ, ये भी मार रही है, लेकिन संजिनों का वो मार्क्समैन वाला एट्रीब्यूट है बहुत दूर से लगता है, लेकिन इसके लिए वो नहीं होगी शायद, पता नहीं। अब देखो संजिन वो का भी नया एक वेपन आने वाला है, संजिन वो एक्सक्लूसिव न्यू वेपन एडेड, इसका नाम जो है SSR फायर एट्रीब्यूट वाला फिनिक्स सोल, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातचीत कर ली थी, ये आने वाला है मेंटेनेंस नोटिस में इन लोगों ने बता दिया, तो एक अच्छी बात है। इससे पहले हम लोगों के पास संजिन वो का जो इकलौता बो वाला वेपन था वो SSR वाला था, वो भी अच्छा था, और यहाँ पे एक फायर वाला भी नया आने वाला है, मतलब नया एक फायर एट्रीब्यूट का SSR वेपन मिलेगा, तो देखना होगा जो भी हम लोगों को मिलेगा कस्टम ड्रॉ से, इसको चेकआउट नहीं करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो न्यू कॉस्ट्यूम्स ऐड हो चुके हैं हमारे पास, यू शू हायन रेसिंग गर्ल, अफकोर्स ये हम लोग को फ्री में नहीं मिलेगी, वैसे कॉस्ट्यूम ढासू है, बताना कैसी लगी ये कॉस्ट्यूम, और ऊपर से ये वाली कॉस्ट्यूम जो COGU की है ये तो फ्री में आज मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फ्री में मिल जाएगा।
यू शैन लॉक्ड एंड लोडेड। तो ये वाला जो मेन स्किन है वो आ चुका है। ली वो रखा क्रुएल फॉर्च्यून वाला कॉस्ट्यूम आ चुका है। और इधर पे नाम क्या है, पार्क ही जिनका सिक्योरिटी ग्रेस। अब तक दोनों तुम लोग समझ चुके होगे कि ये जो लास्ट दोनों के कॉस्ट्यूम्स हैं ये हम लोगों को 100 आर्काइव स्टोरी से मिल जाएंगे। ये दोनों ही फ्री होने वाली है, ठीक है, क्योंकि 100 आर्काइव में हम लोग को फ्री कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे सीक्रेट लाइब्रेरी के एक्सेस पाने के बाद। उसके ऊपर भी अलग से बात करेंगे कि उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है 100 आर्काइव के। तो बैटल फील्ड ट्रायल्स चैलेंज एडेड। तो लास्ट दिन सर्वे में हम लोगों से पूछा था कि बैटल फील्ड ट्रायल्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चैलेंज सिस्टम की बात की थी बैटल फील्ड टाइम के जैसा ही। तो देखो ए सीजनल कंटेंट दैट कैन बी प्लेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विल बी एडेड। तो सीजनल कंटेंट जैसा होता है जब बैटल फील्ड टाइम में हम लोगों को चैलेंज मोड के ऊपर जो एक सीजन वाला मोड देखने को मिलता है वैसा ही मोड इधर भी आने वाला है। द कंटेंट कंसिस्ट ऑफ प्लेयर एंड हंटर्स मोड्स, मतलब दोनों में ही आएंगे, प्लेयर से भी खेल पाओगे हंटर से भी खेल पाओगे। एंड यू कैन क्लेम रिवार्ड्स थ्रू फर्स्ट क्लियरिंग ईच स्टेज एंड इनिशियल कंप्लीशन ऑफ रिवार्ड मिशंस डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीजन टीम फॉर्मिंग कंडीशंस एंड बॉस पैसिव्स विल बी अप्लाइड। तो हंटर नाम क्या था उसका भूल गया, हाँ, बैटल फील्ड टाइम की तरह ही एक सीजन चैलेंज इधर भी आने वाला है। और ये तुम लोग खेलने के लिए मिनिमम चैप्टर 14 क्लियर करके रखना होगा। तो चैप्टर 14 नहीं क्लियर कर पाओगे तो ये लॉक्ड रहेगा। और इसके नीचे क्या है, 100 आर्काइव एंड न्यू स्टोरीज एंड सीक्रेट लाइब्रेरी एडेड। मैंने ये पहले ध्यान नहीं दिया था जब मैंने पहले देखा था। तो 100 आर्काइव में न्यू स्टोरीज ऐड हो चुकी है। और द ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ यू शू हायोन एंड बाई क्यून हू विल बी एडेड टू द 100 आर्काइव। तो यू शू हायोन और बाई क्यून हू दो नए स्टोरीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और एक बात याद रखना, सीक्रेट लाइब्रेरी का एक्सेस तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम सारे जो तुम्हारे हंटर्स के आर्काइव स्टोरीज है सब खत्म कर लोगे, उसके बाद ही एक्सेस कर पाओगे, तब तक नहीं कर पाओगे। लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, दिस कंटेंट इज अनलॉक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल हंटर आर्काइव स्टोरीज। अब यहाँ पे ये चिंता की बात नहीं है कि तुम्हें जब तुम 100 आर्काइव की स्टोरी खत्म करने जाओगे तो एक बार में पूरी स्टोरी खत्म कर पाओगे। हाँ, ये मौका तुम्हारे पास पहले नहीं था लेकिन अब ऐड हो चुका है। तो अब क्या है, वन क्लियरिंग सीक्रेट लाइब्रेरी स्टोरीज यू कैन कलेक्ट द क्वेश्चनिंग 100 सीक्रेट लाइब्रेरी पॉइंट्स। अच्छा, ग्रेट प्रोग्रेस रिवार्ड्स बेस्ड ऑन एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। मतलब अब तुम जब सीक्रेट लाइब्रेरी स्टोरीज खेलोगे तब तुम लोगों को उसके मुताबिक सीक्रेट लाइब्रेरी पॉइंट्स भी मिलेंगे। उस पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड करके तुम्हें रिवार्ड्स भी मिलेंगे। तो चेकआउट द रिवार्ड इन्फो कॉरेस्पॉन्डिंग 100 सीक्रेट लाइब्रेरी प्रोग्रेस। तो वो ये प्रोग्रेस रिवार्ड चेक करने का भी तुम लोगों को बस अलग टैब मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब गेम का अपडेट आने दो, खोलने दो, उसके बाद उससे भी एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इफ़ यू क्लियर ईच सीक्रेट लाइब्रेरी यूजिंग द डिजिग्नेटेड हंटर फॉर अ पॉइंट बोनस यू कैन गेन एडिशनल सीक्रेट लाइब्रेरी प्रोग्रेस पॉइंट्स। अच्छा, मतलब जहाँ पर शायद ये बात नहीं है कि सीक्रेट लाइब्रेरी को हम लोगों को उसी हंटर से ही खेलना पड़ेगा, हम किसी और हंटर से भी खेल सकते हैं। अगर हम उससे खेलेंगे तो पॉइंट बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो सीक्रेट लाइब्रेरी कैन ओनली बी एंटर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल हंटर आर्काइव स्टोरीज। और यू कैन एंटर द सीक्रेट लाइब्रेरी विद द हंटर आर्काइव की, वन की विल बी कंज्यूम अपन कंप्लीशन। जब कंप्लीट करोगे तभी एक की कंज्यूम होगी, नहीं तो नहीं होगी। एसआर हंटर एक्सक्लूसिव वेपन आते हैं। तो मैंने अपने कल वाले वीडियो में बोला था कि हमारे पास कुछ ऐसे एसआर हंटर्स हैं जिनके कुछ एक्सक्लूसिव वेपन्स हैं जो हम लोग गेम में देख सकते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एडेड हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हंडर के एसआर हंटर है लेकिन उनके वेपन्स जो है ये एक्सक्लूसिव वेपन्स वो एसएसआर वाले होने वाले हैं। वाह, जिसमें से तुम्हारे लिए जू ही भी एक होने वाली है, बहुत बढ़िया। तो आने के बाद देखना पड़ेगा कैसे कैसे होती है। एसआर हंटर एक्सक्लूसिव वेपन क्राफ्टिंग मटेरियल सोर्स। तो क्राफ्टिंग मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, माना रॉक कैन बी क्राफ्टेड यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट मेल्डिंग क्यूब्स इन द क्राफ्टिंग मेनू। एसआर हंटर एक्सक्लूसिव वेपन डिजाइन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द वेपन मटेरियल एक्सचेंज शॉप। ओ तो लो कर लो बात, मतलब नॉर्मल एसएसआर वेपन हम लोग जैसे क्राफ्टिंग कर सकते थे ये भी वैसे ही कर पाएंगे। इतना घुमा फिरा के कहने की क्या बात थी, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं होगा वो तो समझ रहे होंगे शायद नया कुछ ऐड होने वाला है, लेकिन नहीं, पुराना वैसा ही है। तो न्यू इवेंट्स, नए नए इवेंट्स भी आने वाले हैं इधर पे। समर इवेंट प्रीलूड चेकन इवेंट, तो एक और नया चेकन इवेंट आने वाला है समर इवेंट के मुताबिक। और शायद आज से ही हम लोग को समर फेस्टिवल का इवेंट मिल जाना चाहिए, देखते हैं इसके बाद मतलब जो नोटिस है उसमें दिया है या फिर नहीं। ग्लैमरस मॉडल हंटर यू शू हायोन रेटअप ड्रॉ इवेंट, पता था नया हंटर है, रेटअप ड्रॉ भी आने वाला होगा। यू शू हायोन रिलीज सेलिब्रेशन लकी कैप्सूल इवेंट, तो जो कैप्सूल इवेंट हम लोग को देखने को मिला था उसके टाइम पे अलिशिया, तो वो इधर पर देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हंटर टाइम बॉम्ब यू शू हायोन ग्रोथ टूर्नामेंट इवेंट, तो ग्रोथ टूर्नामेंट इवेंट हर रेटअप बैनर के 100 के तरह इस में देखने को मिलेगा। और 720 नहीं 710.7 भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो वेपन ग्रोथ हो गया, 100 ग्रोथ हो गया है वगैरह वगैरह, तुम लोगों को पता है। इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस कस्टम ड्रॉ लाइनअप एडेड, ये एक अच्छी बात है। ऐसे सर देखो अलिशिया ब्लंचे कस्टम ड्रॉ में आ चुकी है, साथ ही संजीनू का फिनिक्स सोल वाला जो नया वेपन है वो भी आ चुका है कस्टम ड्रॉ में। और इसके साथ क्या है, बैलेंस एडजस्टमेंट्स, द बैलेंस ऑफ फॉर सर्टेन हंटर्स एंड रून स्किल्स विल बी एडजस्टेड, तो कुछ हंटर्स के रून स्किल्स के ऊपर एडजस्टमेंट की गई होगी। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि नर्फ किया गया है, सबको बफ किया गया है, इसकी टेंशन नहीं है। स्पेशल समन्स लाइनअप एसएसआर एक्विजिशन सपोर्ट एडेड, तो ये ऐड हो चुका है, मतलब जो स्पेशल समन होता था तुम्हारा जो 15 समन कर पाते थे
उसके बाद एक टिकट लगता था तुम्हारा परचेस करना पड़ता था वो एक स्पेशल समन को रिडीम करने के लिए। तो देखो अलिशिया चाहाइन सिल्वरमैन बाइक यून हु चोई जोंग इन विल बी एडेड उन स्पेशल समन लाइनअप जो कि पहले उसमें नहीं था। मून शेडोस का भी ऐड हो जाएंगे जो कि पहले नहीं थे। अब नीचे क्या आएंगे फिफ्थ समन्स ये तो बता ही दिया था पहले तुम लोगों को। जेम्स स्टैट्स इंप्रूवमेंट्स तो देखो जेम्स के ऊपर जो स्टैट्स है वो पहले से अब थोड़ी इंप्रूवमेंट्स होंगे मतलब तुम्हें सीपी अब थोड़ी कॉम्बैट पावर ज़्यादा मिलेगी जो कि अच्छी बात है। देख सकते हो बिफोर ये था आफ्टर ये था और ये सब चेंजेस हुए रैंक 3 और रैंक 4 के ऊपर ही रैंक 1 2 में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो ना मैं इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्क्रीन को पॉज करके। नीचे आएंगे शॉप परचेसेस पे एक कूपन सिस्टम ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन डायमंड परचेसेस। अच्छा मतलब डायमंड परचेसेस के ऊपर डिस्काउंट के लिए भी कूपन आ जाएगा जिसके बाद क्या है डायमंड कूपन डिस्काउंट कूपन दिस कूपन कैन बी यूज टू परचेस आइटम्स इन द शॉप यूजिंग द डायमंड परचेस मेथड एंड द डिस्काउंटेड प्राइस। लॉबी हंटर चेंज फीचर अजय ये भाई बहुत ही मस्त फीचर ऐड किया गया है। यू विल बी एबल टू चेंज द हंटर्स कंट्रोल इन द मेन लॉबी मतलब मेन लॉबी में सब अभी तक तुम लोग संजीव वोको को ही लेकर घूम सकते थे लेकिन वो चेंज कर पाओगे और कोई भी हंटर ला पाओगे उधर पे। क्लिक द चेंज देख सकते हो इस तरीके का बटन होगा बटन द बॉटम राइट ऑफ द मेन लॉबी टू चेंज द लॉबी हंटर। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है इवेशन कंट्रोल ड्यूरिंग बैटल इंप्रूव मतलब तुम इवेशन कंट्रोल तो यू विल बी एबल टू इवेट मल्टीपल हिट स्किल्स फ्रॉम सर्टन मॉन्स्टर जैसे वल्कन ऑन सर्वल्स का भाई बहुत ज़रूरत थी इसका बहुत ज़रूरत थी क्योंकि देखो सर्वल्स जब वो तुम्हारा वो वाला स्किल यूज़ करता था ना लास्ट में आग फेंकते ही ज़्यादा था तो उस पर हम लोग इवेशन कर ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल इवेशन हम लोग कर पाएंगे स्टोरी मोड चैप्टर 13 में जो होगा। अब जो देखो हमारे जो हंटर भाई थे बोल रहे थे कि चैप्टर 13 में वल्कन को फाइट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है चैप्टर 13 में वल्कन को तुम डॉच करने का जो चीज़ है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वर्कशॉप और ब्रिलियंट लाइट में भी चेंजेस होंगे और सर्विस का जो एनकोर मिशन है वर्कशॉप ब्रिलियंट लाइट और बैटल फील्ड टाइम है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा तो अच्छी बात है इवेशन स्किल्स ज़्यादा स्किल इवेट कर पाओगे। नीचे क्या है कंटेंट इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस तो वर्कशॉप और ब्रिलियंट लाइट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है डीमन्स कैसल एंट्रेंस तो डीमन्स कैसल में क्या है एडजस्टमेंट डिक्रीज द रिकमेंडेड सीपी तो यहाँ पे वर्कशॉप बिलियन लाइन मतलब अब और भी कई हंटर्स पार्टिसिपेशन कर पाएंगे क्योंकि देखो रिकमेंडेड सीपी जो थी वो उसको कम कर दिया गया है डिक्रीज द सीपी ऑफ एब्यूसल गेट की वो तो सर्विस का जो सीपी है वो भी कम किया गया है। मैं एक बार बताना भूल गया था कि सर्विस के सामने मैं गया था लेके 2.5 लाख की सीपी गई थी मैं संजय की मतलब टोटल टीम की भाई उसने बहुत धोया था और सीपी उसकी कम हो ही नहीं रही थी तो मैंने कुछ बोला नहीं था लेकिन इन्होंने कम कर दिया 25F मॉन्स्टर्स अपीयरिंग इन द कॉस्मिक डिक्रीज अटैक मतलब बहुत सारे चीज़ों को इधर पर नर्फ किया गया है वर्कशॉप ब्रिलियंट लाइट से जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो गए थे। इसके नीचे आएंगे तो हंटर आर्काइव में मैक्सिमम पोजेशंस ऑफ हंटर आर्काइव कीज पहले हमारे पास 3 हुआ करती थी लेकिन अब से होगी 10। हंटर आर्काइव की यूसेज कंज्यूम 1 की अपन अनलॉकिंग स्टोरी कंज्यूम 1 की व्हेन अनलॉकिंग हंटर आर्काइव फॉर ईच हंटर तो पूरा हंटर आर्काइव अब एक कीज के साथ अनलॉक हो जाएगा। और न्यू एडेड सीक्रेट लाइब्रेरी कंज्यूम्स 100 आर्काइव की ईच टाइम इट इज क्लियर्ड तो सीक्रेट लाइब्रेरी नई फीचर ऐड हो चुकी है देखने के बाद होगी। गेट्स द गेट स्वीप फीचर विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर क्लियरिंग द नॉर्मल स्टोरी चैप्टर 3 शायद पहले ये कुछ ऊपर की रिक्वायरमेंट थी लेकिन अब नॉर्मल चैप्टर 3 क्लियर करते ही ये फीचर अनलॉक हो जाएगा। इंस्टेंस डंजन एंड एनकाउंटर मिशंस तो देखो बॉन्सो भाई मैं तुमको बोला था कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यहाँ पे जो हमारे पास इंस्टेंस डंजन एंड एनकाउंटर मिशन के मैंने उनको बोला था पहले क्या था बेसिक मतलब फ्री में हम लोग को 2 मिलते थे मैक्सिमम अब 4 मिलेंगे देख सकते हो पहले जो डेली कोर्स मतलब P2W प्लेयर्स के लिए 4 था उनके लिए अब 8 हो चुकी है उनके लिए मतलब ज़्यादा बेनिफिट है लेकिन हमारे लिए भी बेनिफिट कम नहीं है 4 हम लोग को फ्री में मिल जाएंगे। ये देखो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या है वो जो इंट्रो वीडियो होता था वो ड्रैगन का वो स्किप किया जा सकता है बहुत ही अच्छी बात है। द स्कोर डिस्प्ले इंटरफेस आफ्टर बैटल विल बी इंप्रूव टू इंटीग्रेट एंड शो कंबाइंड रिवर्ड्स व्हेन देयर आर स्कोर्स फॉर मल्टीपल टीम्स ये कुछ नया चीज़ ऐड हुई है मतलब मल्टीपल टीम के साथ हम जो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कंबाइन करके जो इंटीग्रेट करके जो रिवार्ड मिलेगा पावर डिस्ट्रक्शन में वो दिखा जाएगा लेकिन ये बात नहीं है पावर डिस्ट्रक्शन में थोड़ी रिवार्ड्स की जो मात्रा है उसको बढ़ाओ 5-3 ये अच्छे नहीं लगते भाई इतने कम अमाउंट में एटलीस्ट 10 से ऊपर दिया करो। बैटल फील्ड ट्रायल्स में हम लोग को 41 से 50 मैंने बोला था बैटल फील्ड ट्रायल्स में नए लेवल्स देखने को मिलेंगे ये लोग मिल गए। और क्या है बैटल फील्ड कियोस्क में ए माइलेज सिस्टम वेयर यू कैन ऑब्टेन रिवार्ड्स बेस्ड ऑन द क्लियर काउंट विल बी एडेड तो एक नया चीज़ मतलब और द ड्रॉप रेट ऑफ हायर रैंक जेम्स विल बी इंक्रीज तो बैटल फील्ड कियोस्क में भी अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है। माइलेज सिस्टम क्या है ये देखना पड़ेगा आने के बाद। स्टोरी न्यू कंटेंट गाइड वेबटून कटसीन्स इन चैप्टर 18.5 और द मेन स्टोरी विल बी एडेड तो एक नया चैप्टर ऐड किया जाएगा 18.5 का जिसमें तुम्हें कुछ खेलना नहीं पड़ेगा वेबटून के कुछ स्टोरीज है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं कटसीन्स जो कि शायद नॉर्मल स्टोरी में नहीं ऐड किए गए थे जैसे 15.5 था वैसे ही। तो क्राफ्टिंग में लेजेंडरी स्किल रून एंड लेजेंडरी ब्लेसिंग स्टोन रिफाइनमेंट विल बी एडेड टू द क्राफ्टिंग मेनू तो कुछ नए चीज़ें हम लोग को क्राफ्टिंग मेनू में देखने को मिलेंगी लेजेंडरी ब्लेसिंग स्टोन्स और रून के हिसाब से भी पहले भी ऐसा होता था कि बोला था कि तुम लोगों के पास कोई लेजेंडरी ऐसा रून या फिर ब्लेसिंग स्टोन आ जाता है जो कि तुम्हारे पास पहले से है तो वो तो यूजलेस हो गया ना तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं क्राफ्टिंग मेनू में। और SR Hunter एक्सक्लूसिव वेपन क्राफ्टिंग टैब एंड लिस्ट विल बी एडेड
में तो पता है फ्यूजन, तो फ्यूजन में बहुत अच्छी चीज़ ये लोग करके लाए हैं अभी। हीरोइक रूनस का जो तुम्हारा फ्यूजन करते थे पहले रेट ऐसा हुआ करता था, अब रेट ये हो जाएगा। लेजेंडरी का भी रेट बढ़ा दिया गया है लेकिन बस 5% से। मुझे पता नहीं इससे मतलब क्या बेनिफिट होगा, देखना पड़ेगा कितना बेनिफिट होगा। 5% से बढ़ा है। और बाकी फ्यूजन स्टोन और ब्लेसिंग स्टोन सारी सेम टू सेम है। रैंक 4 का भाई 25% से बढ़ा है। देखना होगा कि कितना मतलब अच्छा ये हम लोग को बेनिफिट देता है। शॉप एंड पैकेजेस, तो यहाँ पर अगर पैकेजेस का तुम इन्फॉर्मेशन देखना चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि शॉप परचेसेस में ज़्यादा कोई शायद करेगा नहीं PWW प्लेयर्स को छोड़कर। और नीचे क्या है ये वाले वो चेंज हो चुका है जहाँ पे हम लोगों को वो एक शॉप में था ना एकदम लाइन बाय लाइन बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तो वो वाला परचेस करने के बाद उसको रेट अप ड्रो स्टार्टर वाला यह भी उसके ऊपर है भाई। अब बग फिक्सेस में आ जाओ ना भाई। ये भी गया। रिवैम्प पैकेजेस, पैकेजेस को रिवैम्प किया गया है। और ये क्या है शॉप सिस्टम नोटिस, ये फालतू की चीज़ें हैं। कॉमन नोट्स फॉर पैकेजेस ब्ला ब्ला ब्ला। सिस्टम इंप्रूवमेंट्स, ये अच्छी बात है। तो इंप्रूव सम इन गेम टेक्स्ट इंटरफेसेस, तो उस टेक्स्ट को इंप्रूव किया गया है। रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्स कंज्यूम्स व्हेन यूजिंग शैडो इन बैटल, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छा है। मतलब आप तुम लोगों को कम शेड्स कंज्यूम होंगे जब तुम शैडोज को यूज़ करोगे। इंप्रूव द ऑर्ब ऑफ एवरेज प्रोग्रेटरी स्किल, मतलब ऑर्ब ऑफ एवरेज का जो मतलब वो जो आग का गोला था संजीनू का वन, तो उसका जो डायरेक्ट स्ट्राइकिंग काउंट, रेजिंग ब्लैक फ्लेम और हिटिंग एनिमीज, तो उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। इनहेंस डिस्प्ले ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ इक्विप आइटम्स एडेड अप एंड शोन अप द बॉटम वेपन आर्टिफैक्ट सेलिंग एंड सैल्वेजिंग स्क्रीन्स, तो आर्टिफैक्ट्स में वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं वो देखना पड़ेगा। इनहेंस इन्फॉर्मेशन पॉपअप फॉर द करेंसी आइटम्स लाइक एंट्रीज इन्वेंटरी टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सोर्स, इनहेंस इन्फॉर्मेशन पॉपअप, ताकि बस जितने कीज है वो हम लोगों को देखने को मिले अच्छी तरीके से। और भी इंप्रूव सॉर्टिंग ऑर्डर्स एंड विजिबिलिटी नंबर्स ऑफ द प्ले टैब विद इन द प्रोफाइल, देखना पड़ेगा क्या है सब। और इसके बाद कुछ यहाँ पे बग फिक्सेस की गई है, ये देख लेना शॉपर की क्या क्या बग फिक्सेस हैं अगर देखना चाहो तो। और यहाँ पे हम लोग आके कंक्लूड करते हैं हमारा जो ये अपडेट डिटेल्स था बस वो, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत चीज़ें कवरअप करना बाकी है। तो 100 एनालिसिस फाइल है, यू शू है उनकी 100 एनालिसिस, मतलब पता है तुम लोगों को उसके बारे में थोड़ा कहा जाएगा, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो पॉइंट्स इवेंट है, इस पर भी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट्स इवेंट तुम लोग को पता है भाई, अब तो मतलब जानने की बात हो गई है कि हर महीने चार या पाँच तरीके के ऐसे पॉइंट्स इवेंट आएंगे जो जैसे खेलना होगा, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वेपन ग्रोथ या फिर हंटर ग्रोथ जो भी हो, फिर आ जाएंगे 7-10, 7-10 100 स्किल रूल स्किल बैलेंस एडजस्टमेंट, ये अच्छी चीज़ है। कुछ हम यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिली है जो इसके साथ चोई जोंगिन, तो देखो चोई जोंगिन के ऊपर थोड़े एडजस्टमेंट देखने को मिली है लेकिन सभी के लिए नहीं। अगर तुम 2-स्टार अवेकनिंग करते हो 5-स्टार अवेकनिंग करते हो तभी ये सब देखने को मिलेंगे। अब एक स्क्रीन पॉज करके देखना क्या क्या हो सकता है मतलब चेंजेस। SSR लिम दाइग्यू के ऊपर एक अच्छी स्किल है, उसका पैसिव में ही चेंज कर दिया गया है। डील्स डैमेज इक्वल टू 60% ऑफ द यूजर्स अटैक पर एरो, वैसे 50% है, फिर जब 3-स्टार अवेकन होगा उसके बाद देखने को मिलेगा। थोड़ी एक चीज़ है ये, तो स्क्रीन पॉज करके देखना, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ऐसा सर हुआंग दोंग शू भाई, इस गुंडे के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट देख दी गई है लेकिन अवेकनिंग 3 करोगे उसके बाद, उससे पहले नहीं मिलेगी। ये मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, नहीं मतलब ये क्या इंप्रूवमेंट की गई है। यूजर्स विंड डैमेज इंक्रीजेस भाई, पहले 9% था अभी 10% है, क्या ही मतलब ये कर लेगा 1% से ज़्यादा से। इसके बाद SSR वो जिनचुल, ये अच्छी चीज़ है, वो जिनचुल के ऊपर बहुत सारी हम लोगों को ये देखने को मिली है, तो इसको मैं मेंशन करना ही पड़ेगा। सप्रेस कोर अटैक, पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब क्या है, ग्रांट से सुपर आर्मर वाइल यूजिंग द स्किल। सीरियस पंच अल्टीमेट स्किल, आफ्टर द मूवमेंट स्किल यूसेज विल बी इंप्रूव्ड, बहुत अच्छी चीज़ है। एडवांसमेंट टायर 1, तो टायर 1 का ही अवेकन लगभग मुझे सभी का हो चुका है। अब क्या है, रिलेटेड इंक्रीजेस इन कूलडाउन पेनल्टी 100%, पहले से मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें तो मतलब चेंजेस नहीं है। हाउ मतलब कूलडाउन इंक्रीजेस बाई 1 सेकंड, डेटेड इंक्रीज ऑफ कूलडाउन पेनल्टी, मतलब यहाँ पे कूलडाउन की कोई पेनल्टी नहीं है। फिर क्या एडवांसमेंट टाइप 3 में क्या मिलता था, डैश एक्सट्रीमेशन और जजमेंट व्हेन द स्किल डिक्रीज द कूलडाउन मेडिटेशन व्हेन द यूजर यूजेस जजमेंट इट एक्टिवेट्स यूजर्स बेसिक पैसिव एंड एनहांसेस द इफेक्ट, यूजर्स डैमेज इंक्रीज इफेक्ट बाय एनहांसेस बाय 35%, में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। इसको मतलब खेलने के बाद देखना पड़ेगा क्या क्या होता है। अरे भाई इधर फिर से आ गया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं वो जिनचुल के ऊपर, देखता है इसके साथ ये कोई पावरफुल होता है या फिर नहीं। बाइक यूनियन के ऊपर की गई है पैसिव 10 सेकंड से लेकर 12% से किया गया है 12 सेकंड के लिए, इसका डिफेंस और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डैमेज कुछ ज़्यादा ही खाएगा। इसके बाद क्या है, एडवांसमेंट टायर 3 वाइट फ्लेम गेल किक डोमिनेशन, तो इसके ऊपर भी किए गए हैं अब जो, तो ये पॉज करके देख सकते हो MLON के ऊपर क्या किए गए हैं। तो MLON के डैमेज भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है अल्टीमेट स्किल की, अच्छी चीज़ की गई है। SSR सिल्वरमैन बाइक यूनियन, और ये सिल्वरमैन का है तो वो नॉर्मल का था। कर्स ऑफ द मैजिक बीस्ट देखना पड़ेगा, ये इन लोगों की है। चाहाई इनके ऊपर भी कई मतलब की गई है, चाहाई इनका जो वो जो डांसर की हुई है पता नहीं कौन सा वाला स्किल था लेकिन डैमेज इंक्रीज हुआ है। सुपर आर्मर आ चुका है, पहले नहीं था। एडवांस लेवल 5 क्रिटिकल हिटर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रून स्किल बैलेंस एडजस्टमेंट्स, तो रून स्किल्स के ऊपर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये तुम वीडियो पॉज करके देख लेना। बस कुछ डैमेजेस चेंजेस किए गए हैं माना का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
डैगरटोस देख सकते हो, थोड़ा ऊंचे चले जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आई है भाई स्किल्स के ऊपर, कमांडर स्ट्रेच के ऊपर भी कुछ चेंजेस आई है जो कि अच्छी बात है, वो डैमेज का है, मतलब डैमेज कुछ बढ़ाया गया है। तो ये गई रून स्किल्स और 100 इंप्रूवमेंट की बात। ये तो अभी देखा भाई, फिर से वहीं पे घुस गए। तो इधर जाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हंटर ग्रोथ टूर्नामेंट, भाई ये भी पता है, फालतू में आ गए। ये पता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हंटर टाइम सेलिब्रेशन लकी, ये लकी कैप्सूल वाला इवेंट है, ये भी तुम लोग को पता है, सेम टू सेम उस जैसा ही है जॉली शेयर का टाइम पे आया था, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर से हम लोग बाहर आ जाएंगे और नया कोई कौन सी चीज़ आई है रिलीज सेलिब्रेशन मॉडल हंटर यूज वेट अप इवेंट, तुम लोग को पता है क्या होगा समर इवेंट, पहले चेक इन इवेंट, ये लास्ट वाला है। तो ये कुछ अच्छी हमारे पास चीज़ निकल के आई है, ये शायद तुम्हारा चेक इन इवेंट होने वाला है। चेक इन इवेंट में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, गोल्ड हीरोइक क्रंचेस मिलेगा 5 दिन में, मेल्डिंग क्यूब ओवरड्राइव, मतलब जो देखो यू शू हैंड के जो एक्सक्लूसिव वेपन है हम लोग को फ्री में मिल जाएगी चेक इन से ही, हीरोइक ब्लेसिंग स्टोन भी लास्ट में मिल जाएगा, देखना होगा क्या मिलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर चेक इन इवेंट में अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो वीडियो के लिए इतना ही है, मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, वीडियो थोड़ी बड़ी बन चुकी है, लेकिन देखना फिर भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा तुम लोगों को सही से। तो ठीक है, गेम को अपडेट कर देना, शायद प्ले स्टोर में अपडेट आ चुका होगा। तो चलो बाय।